ये बंदा नवाब है, कहाँ जा रहे हैं हम गाड़ी धोने? मसूरी 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 कह रहा गाड़ी धोने जाएंगे। अरे हम मसूरी नहीं जा रहे भाई, गाड़ी धोने। गाइस कैसे आप सभी? तो मेरा नाम है जितेंद्र अग्रवाल और आज का जो व्लॉग है वो भी अपने धनों के नाम है। हम थोड़ा सा कहीं जा रहे हैं, आज मसूरी रोड की तरफ ही है कहीं, और वहाँ पे बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ पानी आता है, तो उस समय देखते हैं अगर वहाँ टाइम मिला तो थोड़ा सा गाड़ी को भी धो। जा रहे हैं थोड़ा सा, एक गांव है मसूरी रोड पे, एक जगह पड़ती है उसमें एक गांव पड़ता है, वहाँ जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे विनोद भाई? हम आज हम गाड़ी धोने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? हम जा रहे मसूरी। ये बंदा नहा धोकर गाड़ी धोने जा रहा है, शक्ल देखो इसकी। अरे तुम उबले हो, तुम क्या लग रहे हो, उबले हुए अंडे या आलू उबले हुए? तो भाई विनोद भाई की तरफ से आज ही मुझे फ्रूटी मिली पीने को, है नहीं कि जी? खाए जा रहे ठूसे जा रहे, चिप्स ठूसे जा रहे। कल शाम को दारू का बोतल मिले। गलत बात नहीं बोलना विनोद भाई, गलत बात नहीं। हाँ तो भाई, भाई साहब अभी हम हैं राजपुर रोड पे, ये है झारखंड का एरिया और हमारा जहाँ पे हम जा रहे हैं बस आने वाला है। एक बहुत सुंदर सा गाँव है जहाँ पे पानी आता है, मतलब हाँ लोकेशन पे जा रहे हैं हम। हाँ वहीं पे जा रहे हैं और जाके आपको मैं दिखाता हूँ कौन से लोकेशन है। ये वाला ब्लॉग भी जल्दी आ जाएगा। तो भाई फाइनली हम अब उस मोड़ पे आने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरा करके कौन सा मोड़ वो है। तो ये आप देखिएगा, ये जो यहाँ पे मसूरी धनौल्टी ये लिखा हुआ, हाँ पुरकुल गांव की तरफ वो रास्ता पड़ता है, ये हम मुड़े हैं पुरकुल यहाँ पे काफ़ी। एंड ये रोड वहाँ जाती है जहाँ पे अंतरा अपार्टमेंट्स वगैरह है, वो कि बहुत, मतलब मैं क्या ही बता सकता हूँ कैसे अपार्टमेंट्स है, बहुत सुंदर अपार्टमेंट्स है वहाँ पे, काफ़ी सारे कैफ़े भी मिलेंगे आपको अच्छे। तो पुरकुल जगह का नाम है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोगों के अपार्टमेंट्स वगैरह है। और जो ग्रीनरी है ना यहाँ की, यहाँ विनोद भाई क्या है, यहाँ पे ग्रीनरी कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। कुछ कुछ शब्द सब बता के मैंने बैठा रखा है ना कि ऐसे ऐसे बोलना बीच में। अब आपको मैं यहाँ की ग्रीनरी से थोड़ा वो कराता हूँ रूबरू, और मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। देखिए पेड़ ही पेड़ है और बहुत सुंदर लगता है। आपको शीशे से बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, मतलब इसमें दोनों तरफ से कह रहे हैं। यहाँ पे आगे मुझे किसी की याद आई, कौन है वो अरे हैं, कौन है वो किसी की याद आई है, मतलब नाम तो मैं क्यों बताऊँ, आए हाय नाम क्यों बताऊँ, क्यों किसी का दिल में दुखाऊँ। दिन के टाइम पे यहाँ ज़्यादातर मिलता नहीं कोई यहाँ पे, और थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, मतलब कनेक्ट होता है मसूरी रोड पे। और भाई लोग हम यहाँ आ चुके हैं, ये है पुरकुल गांव वाला रास्ता, ठीक है, शहर के बीच में गांव और बहुत सुंदर लगता है भाई। ये है एरिया यहाँ का, इसमें ये पानी आता रहता है, ये पानी ये गिरता रहता है। और नेगी जी हम यहाँ क्या करने आए हैं? हमारे विनोद भाई कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है पार्टी करने के लिए, पर पब्लिक प्लेस में गलत चीज़ें करना गलत है और करनी भी नहीं चाहिए। बट मैं आपको उसका झरना दिखाता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा था झरना, ये है वो। चलो भाई बाल्टी निकालो, बाल्टी लाए, हाँ तो इसको हाथ से धोगे, मग्गा ला रखे, मग्गा निकालो चलो। तो फाइनली हमारी धन्नो अब धुल चुकी है और इन बंदे का मतलब इसमें इतना उंगली बराबर रोल है इसको धोने आने में, सबसे ज्यादा गाड़ी मैंने धोई थी। अच्छा तो भाई लोग अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पुरकुल गांव से बाहर, थोड़ा दोबारा से अपने घर की ओर।